प्लीज 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 प्लीज। दोस्तों उस बार की तरह इस बार का भी Q&A काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। मतलब मैंने तो सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन ही पिक करे हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन पर काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिन पर मेरी ही कम्युनिटी पोस्ट की, यानी कि जो आप लोगों ने क्वेश्चन कराना उन्हीं में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पिक करे गए हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, तो जिनका जिनका क्वेश्चन आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और जिनका क्वेश्चन नहीं आया होगा ना तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन वाली वीडियोज़ को जरूर चेक करना, उनमें आपका क्वेश्चन जरूर आया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ VK टेक्निकल भैया, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप भी अपने चैनल का इस तरीके से प्रमोशन कराना चाहते हो तो हर बार की तरह हर बार मैं शनिवार को पोस्ट कर देता हूं कम्युनिटी पोस्ट पर, तो उस पर जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना तो उनमें से जिसका भी आपको आंसर पता हो तो आप वहां से आंसर क्वेश्चन लेकर के और वीडियो बना सकते हो और मुझे मेंशन कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट दिन यानी कि संडे के दिन आपका भी अपने डिस्क्रिप्शन पर आपका वीडियो दे दूंगा, तो काफी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है CK चिरंजीत CK की तरफ से, इनका क्वेश्चन है बार बार चैनल का नाम बदलने से क्या होगा। तो देखो आपको बता दूं कि अगर आप बार बार अपने चैनल का नाम चेंज करते हो ना तो सबसे पहली बात तो जैसे आप चेंज करोगे तो कुछ दिन के लिए आपका चैनल सर्च से बाहर हो जाता है, कुछ दिन के लिए आपका चैनल सर्च में नहीं आता है। एंड जो आप अपने वीडियोस बनाते हो तो उन पर आप हैशटैग या फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह में आप टैग्स वगैरह में अपने चैनल का नाम लिखते हो, तो इससे जो आपकी पुरानी वीडियोज होंगी ना वो आपका चैनल का नाम चेंज करने से उनकी भी रैंक घट सकती है, उनकी भी रीच घट सकती है। तो बार बार आप चेंज मत करना, एक दो बार आप चेंज कर सकते। नेक्स्ट है SK सादिक ट्रिक 3M की तरफ से, इनका क्वेश्चन है भाई क्या हम किसी भी वीडियो को डाउनलोड करके एडिट करके YouTube पर अपलोड करें तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा क्या, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आप किसी की दूसरे की वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करोगे या अपनी वॉइस दे दोगे, देखो अगर आप एक दो बार ये चीज करो, कभी कभी करो तो चल सकता है, ठीक है, बीच बीच में करो तो चल सकता है, लेकिन आप लगातार अगर इस तरीके की वीडियो बनाओगे और उन्हीं वीडियो की वजह से अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा तो बिल्कुल आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आपको रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान देना, खुद का ही कंटेंट बनाना, खुद का आपका आवाज होना चाहिए, खुद की आपकी फेस या फिर जो कंटेंट है वो खुद का ही होना चाहिए। नेक्स्ट अंकुश गेमर की तरफ से, इनका क्वेश्चन है भैया गिवअवे का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो देखो ये जो गिवअवे का रिजल्ट है ना, इसको लेकर के मैंने देखा क्वेश्चन में काफी सारे पढ़ रहा था, तो बहुत सारे क्वेश्चन है गिवअवे का आखिर रिजल्ट कब आएगा। तो अभी तो देखो 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन ही उस वीडियो को हुआ होगा गिवअवे निकाले, तो मैं डेट तो क्लियर नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत जल्द उसका रिजल्ट आने वाला है। तो अगर कोई रह गया हो तो आप फटाफट से जाकर के, आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, फटाफट से जाकर के एक अच्छा सा कमेंट कर दो, हो सकता है आप ही विनर बन जाओ, क्योंकि टोटल वहां पर 5 विनर होने वाले हैं और काफी ज्यादा चीजें भी मिलने वाली है। नेक्स्ट ओम की टेक की तरफ से, इनका क्वेश्चन है अगर हमारे Gmail ID पे डेट ऑफ बर्थ अलग है और पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ अलग है तो क्या चैनल मोनेटाइज होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। देखो मैं आपको बता दूं कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक चीज आपको पता है कि यूट्यूब पर वही लोग काम कर सकते हैं जो कि जिनकी उम्र 18 से ऊपर की होती है। तो जो आपका यूट्यूब चैनल का Email ID है ना, उस पर सबसे पहले बात तो आपको देखना कि क्या 18 प्लस उसमें आप हो या फिर नहीं हो, और पैन कार्ड तो उसी का लगेगा जिसका 18 प्लस है, वरना उसका तो बना ही नहीं होगा, बना होगा तो फोटो नहीं लगी होगी, तो ये चीज आपको ध्यान देना। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो यूट्यूब जिस Email ID से बना उसका डेट ऑफ बर्थ दूसरा है और पैन कार्ड का दूसरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 18 प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट फाइसोलॉजी फैक्ट की तरफ से, इनका क्वेश्चन है भैया जी वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका बताइए जिस टाइम ऑडियंस ऑनलाइन रहे। तो ये देखो हर चैनल का अलग अलग टाइम होता है कि किसके चैनल की कब ऑडियंस एक्टिव होती है, हालांकि इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो मैं वीडियो भी बना रखा है, आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप समझ सकते हो कि आखिर आपके चैनल की ऑडियंस कब एक्टिव होती है, उसी टाइम अगर आप अपना वीडियो अपलोड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो पर व्यूज आने के चांस हो जाते हैं। नेक्स्ट राजू टंडी की तरफ से, इनका क्वेश्चन है भाई आपको YouTube आपके वीडियो पर आने वाली एड का पैसा देता है या एड पर क्लिक करने का पैसा देता है, प्लीज 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 प्लीज। तो देखो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि YouTube पर अगर आपने कोई वीडियो बनाया और उस वीडियो को अगर कोई देख रहा है ना तो उस पर अगर ऐड आ गई तो भी आपको पैसा मिलेगा, और उस ऐड पर अगर किसी ने क्लिक कर दिया तो आपको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको शायद पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका CTR बढ़ता है ना, जो Google AdSense का CTR बढ़ जाता है तो Google AdSense खतरे में आ जाता है, ये एक्चुअली में आपका यही होता है। जैसे आप किसी का वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो में नॉर्मल ऐड आ गई, ऐड आपने देख ली, कितना भी देखी वो नहीं मैटर करता, तो उसको अर्निंग हो गई। लेकिन अगर उसी ऐड पर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, क्लिक करके विजिट कर गए, कुछ भी कर गए, तो फिर उसकी ज़्यादा अर्निंग
हो जाएगी, लेकिन वहां पर उसका एक क्लिक भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वहां पर CTR बढ़ता जितना ज्यादा क्लिक होता है, ठीक है। इसलिए अगर ज्यादा लोग किसी एड पर क्लिक कर रहे हैं तो उसमें CTR बढ़ सकता है, लेकिन जो अर्निंग है ना वो दोनों पर होती है। कोई क्लिक करेगा तो ज्यादा अर्निंग होगी, कोई नहीं क्लिक करेगा तो थोड़ा सा कम अर्निंग होगी, लेकिन अगर एड आएगी तो अर्निंग जरूर होगी, कोई क्लिक करे या फिर ना करे। नेक्स्ट RJTech2M की तरफ से इनका क्वेश्चन है, आप लाइव स्ट्रीम कब करोगे भाई? तो देखो, मैंने पिछले कुछ दिन पहले लाइव स्ट्रीम करा करता था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी उसमें क्वालिटी नहीं आ पाती थी। क्वालिटी क्यों नहीं आ पाती थी? क्योंकि नेटवर्क अपने गांव में, जब मैं गांव में बिलोंग करता हूं, गांव से रहता हूं, गांव से ही मैं सब कुछ करता हूं, तो यहां पर बहुत ज़्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, और शाम को तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जियो का सिम है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई सा भी मैं सिम यूज करूँ तो सब में प्रॉब्लम होती है। तो जब तक वाईफाई वगैरह कुछ नहीं लग जाती है तब तक तो शायद लाइव नहीं करूँगा, क्योंकि क्वालिटी नहीं आती तो फिर आप लोगों से बात करने भी उतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हो सकता मजबूरी में आप देख रहे होंगे, लेकिन जब तक क्वालिटी नहीं आएगी तो मुझे भी मजा नहीं आती है। तो जब भी नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं लाइव जरूर आऊंगा। नेक्स्ट NHA अपडेटर की तरफ से इनका क्वेश्चन है, जब आपके एक वीडियो पर व्यूज आए लेकिन दूसरी वीडियो पर व्यूज ना आए तो हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? बहुत सिंपल तरीका है, आपको पता है कि एक वीडियो पर व्यूज आया और दूसरे पर व्यूज नहीं आया तो हो सकता है तीसरी चौथी पर व्यूज जरूर आएगा, तो बस इस तरीके से मोटिवेट हो सकते हो। बाकी किसी भी वीडियो पर आपको परफेक्ट व्यूज नहीं आएगा, किस पर 1000 आया तो इस पर भी 1000 आएगा, तो इस पर भी 1000 आएगा, अप डाउन ये आपका चलता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हॉट एंड शॉर्ट की तरफ से इनका क्वेश्चन है, भाई मेरा 2 क्वेश्चन है। नंबर 1, डीजे मिक्सिंग सॉन्ग और डांस वीडियो में जो सॉन्ग यूज होता है तो उस पर कॉपीराइट क्यों नहीं आता है? और सेकंड क्वेश्चन तो इनका नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने रीड मोर पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ था, तो सॉरी। तो देखो मैं आपको बता दूं, डीजे मिक्सिंग के जो चैनल होते हैं तो उन पर कॉपीराइट क्लेम क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सॉन्ग यूज करोगे तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, लेकिन मिक्सिंग वाले चैनल पर नहीं आता है। रीजन यही होता है कि उससे थोड़ा सा आप एडिटिंग कर देते हो, मिक्सिंग कर देते हो ना, तो जो जिसका आपने सॉन्ग यूज करा ना उसकी जो कंटेंट आईडी होती है वो आपका एग्जैक्ट मैच नहीं हो पाती है, उसी वजह से आपको क्लेम तो नहीं मिलता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डीजे मिक्सिंग चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होता, क्लेम से आप जरूर बच जाते हो लेकिन रीयूज कंटेंट से आप नहीं बचते हो। रीयूज कंटेंट को प्रॉब्लम आपकी आ जाती है जब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो। नेक्स्ट रोशन पाटिल की तरफ से इनका क्वेश्चन है, ब्रो अगर बहुत वीडियो पर एलो डॉलर आए तो क्या चैनल मोनेटाइजेशन ऑफ होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, एलो डॉलर से आपका मोनेटाइजेशन ऑफ नहीं होता। एलो डॉलर तो सिर्फ ये बताता है कि ये जो आपका वीडियो है ना ये सबके देखने लायक नहीं है, इसीलिए इस पर आपकी जो सारी ऐड होती है वो नहीं आती है। एलो डॉलर का मतलब लिमिटेड ऐड आती है, कुछ ही ऐड आ सकती है, तो उसमें आपका अर्निंग का प्रभाव पड़ता है, ना कि आपका मोनेटाइजेशन पर कोई भी दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट VIP राजा ब्लॉग की तरफ से, टाइटल मेंशन नहीं किया जाएगा जिसका 1K सब्सक्राइबर और 4 आवर्स वॉच टाइम पूरा नहीं होगा आपके पास, तब तो मेरा भी टाइटल मेंशन नहीं जाएगा, तो इसका उपाय बताइए। तो देखो मैं आपको बता दूं कि 4000 घंटे से मतलब नहीं होता, अगर आपका 1K सब्सक्राइबर हो गया है तो आप इजीली टाइटल वगैरह में किसी को भी मेंशन कर सकते हो। तो देखो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप मेरे Q&A से क्वेश्चन लेकर के वीडियो बनाओगे ना तो आप मुझे मेंशन कर देना, तो अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो आप टाइटल पर मेंशन नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन कर सकते हो, आपने वीडियो बनाया तो उसी थंबनेल को लेकर के और मुझे वहां पर मेंशन कर देना ताकि मुझे पता चल जाए, वहां पर लिंक भी दे सकते हो कि आपने वीडियो बनाया तो मैं इजीली आपका वहां से लिंक कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। नेक्स्ट कार्तिक मास्टर टेक की तरफ से इनका क्वेश्चन है, सर अगर हम अपनी कुछ वीडियोस प्राइवेट कर लेते हैं तो क्या हमारा वॉच टाइम कम हो जाता है? क्या बिल्कुल कम हो जाता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपका क्रोम ब्राउजर में वॉच टाइम वहाँ पर ऐड होता ना वहाँ पर स्पष्ट लिखा होता है कि उन्हीं वीडियोज़ का वॉच टाइम होगा जो कि आपकी पब्लिक आवर्स वॉच टाइम लिखा होता है, पब्लिक वीडियो का ही वॉच टाइम जोड़ता है। अगर आपका वीडियो अनलिस्टेड है, आपका वीडियो प्राइवेट है या आपने कोई वीडियो डिलीट कर दिया तो उसका बिल्कुल वॉच टाइम आपका माइनस हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SR टेक्निकल भैया की तरफ से, आप DSLR कब खरीदोगे? तो देखो मैं अगर चाहूँ ना तो आप लोगों का इतना अच्छा प्यार मिल रहा है कि अगर मैं चाहूँ, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ मुझे आपको बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन सच बता रहा हूँ अगर मैं चाहूँ तो हर महीने मैं एक DSLR कैमरा खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं खरीद रहा हूँ। इसका बहुत ही बड़ा रीज़न है, इसको मैं देखो काफ़ी दिन बाद बताने वाला था लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं बता ही देता हूँ। कैमरा मैं एक्चुअली में इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि जब मैंने यूट्यूब की स्टार्ट करी थी ना तो जब मैं अपने से बड़े क्रिएटर के कुछ वीडियो देखा करता था तो मुझे एक चीज़ लगा करती थी कि जब किसी क्रिएटर की वीडियो देखता था और अगर वो कैमरा से वीडियो शूट
लगता था, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ा सा डीमोटिवेट फील होता था कि यार मेरे पास तो कैमरा नहीं है तो कैसे मैं इसके जैसी वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं उसी के बराबर का कोई क्रिएटर देखता था और वो अपने मोबाइल से सारा कुछ करता था, तो वहाँ मुझे भी मोटिवेशन मिलता था कि अगर ये मोबाइल से इतना अच्छा कर सकता है तो मेरे पास भी मोबाइल है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसीलिए मैं DSLR नहीं खरीद रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता कि आज मुझे भी देख करके काफ़ी लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग वीडियोज बना रहे हैं, तो अगर वो लोग देखेंगे कि ये तो कैमरा से बनाता है इसलिए इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी आती है, तो कहीं ना कहीं जिसके पास कैमरा नहीं है उसको थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील होगा। इसलिए आज भी मैं मोबाइल से ही वीडियो शूट करता हूँ, मोबाइल से वीडियो एडिट करता हूँ, सब कुछ मोबाइल से ही करता हूँ, ठीक है। लैपटॉप भी मेरे पास नहीं है, चाहूँ तो ले सकता हूँ लेकिन वो भी नहीं है, सब कुछ मैं मोबाइल से ही करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं ना तो उनके पास भी मोबाइल है, तो वो भी मोटिवेट होकर के कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। बस यही रीजन था, वरना आप लोगों का इतना अच्छा प्यार मिल रहा है कि मैं आज की डेट में जो चाहूँ ये यूट्यूब से रिलेटेड वो चीज़ें मैं ले सकता हूँ। सो आज के इस वीडियो में कुछ इतने ही क्वेश्चन थे, अगर आपका क्वेश्चन रह गया तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाली वीडियोज को जरूर चेक करना, हो सकता है उनमें आपका क्वेश्चन आया हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।